Hello everyone, how's life? My name is Mr. Jitender Dubey and I'm from Delhi. I'm your new science teacher, so I'll be teaching you biology in this session. Okay, is everybody ready to start? I think we can start now, so stop talking and be quiet. It is lecture number 27-29 of Lucent G.K. Samanigan. If you want to watch all 30 plus lectures of Lucent G.K. or complete lectures of Lucent GK, then you should go on study channels playlist. You will get all, you will get all the lectures of Lucent GK Samanigyan right now. So Lucent GK Samanigyan ki importance matra ka import ka anuman isi se lagaya ja sakta hai ki jisne bhi civil government job ke liye taiyari karne wale candidates aspirants hote hain unke room mein ek GK Samanigyan Lucent ki book available hoti hai. क्योंकि ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं किसी भी एग्जाम में. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू शुड ट्राई टू वॉच ऑल लेक्चर्स ऑफ लूसेंट जीके सामान्य ज्ञान. लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी. तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है. बायोलॉजी बायो का अर्थ है जीवन यानी लाइफ और लॉगस का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी. अर्थात जीवन का अध्ययन यानी अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है. जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस के थे एवं ट्रेवरेनस ये जर्मनी के थे नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था. जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी एपिकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन. एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों यानी स्नेक्स का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर कास्टी पेड़ों का अध्ययन एंड हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती. जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल जिनका जन्म 384 BC और डेथ होती है 322 BC में के काल में हुआ. उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए. इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं. इन्हें जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं. जीवधारियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ जीवधारी. अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया जंतु समूह एवं वनस्पति समूह. लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरिया में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों टू किंगडम्स पादप जगत प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में विभाजित किया. ओके लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी को से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी. इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं. जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. परंपरागत जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा 1969 ईस्वी में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली ने लिया. इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्न पांच जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया मोनेरा प्रोटिस्टा पादप यानी प्लांटी कवक मीन फंगी एवं जंतु यानी एनिमल. ओके यस मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु शायनो बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं. तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं. प्रोटिस्टा इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय एक्वाटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं. पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में है. यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के प्रभाव में अभाव में इतर पोषित. इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं. पादप यानी प्लांट इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं. शैवाल मौश पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं. कवक यानी फंगी इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है
ये सभी इतर पोषी होते हैं, ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु यस एनिमल, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमी, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीसीज है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम मनुष्य यानी मैन और इधर मनुष्य को बोला जाता है होमो सेपियंस, मेढक यानी फ्रॉग को राना टिग्रिना, बिल्ली यानी कैट को फेलिस डोमेस्टिका, डॉग कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस, गाय काउ को बोस इंडिकस, मक्खी हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका, आम यानी मैंगो को मैंगी फेरा एंडिका, धान राइस को ओरिजा सटाइवा, गेहूं व्हीट को ट्रिटिकम ऑस्टिवम, मटर पी को पीशम सैटिवम, चना ग्राम को सीशर एरी एंटियम एटिनम। मटर पी को पीजम सटिवम सटाइवम, मटर पी को पीजम सटाइवम, गेहूं को होइच ट्रेडिकम एस्टिवम, धान राइस को ओराइजा सटाइवा, चना ग्राम को सीशर एथिनम, सरसों मस्टर्ड को ब्रैसिका कैंपेस्ट्री। 1773 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम यानी जेनरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम यानी स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उसे उस वर्गीविद यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। ओके, लिन वास्तव में लिनियस, लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। यस, कोशिका विज्ञान, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन परभाषी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है जिनकी सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसीलिए जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म वह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीवद्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा वो इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को सिटोलॉजी कहा जाता है। होलिया, कोशिकाओं का औसत संगठन, अवयव और कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, जल 70-90%, प्रोटीन 10-15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5-7%, आयन 1%। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को सिटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग प्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839-1839 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन
और थियोडोर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि इन नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, पहली बार रेडोल्फ बिर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर होता है। यस, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई अविकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्र पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, मुख्य अंतर विशेषता या अपअंगक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंस। कोशिका भित्ति ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक सेलुलोज की बनी होती है, वहीं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है जबकि मुख्य यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम 17 इस प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में जबकि यूकैरियोटिक में 18 इस प्रकार के होते हैं। वहीं गॉल्जिकाय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होते हैं प्रोकैरियोटिक में जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका ये प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है जबकि यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक थायलेकाइड में होता है जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। वहीं कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका के मुख्य भाग मेन पार्ट्स ऑफ शेल, कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगलकेन का बना होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अल्पारगमी झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारक काय या सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोवेरी ने की थी, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय
सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतर द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुत आयत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में ही होते हैं। ईयर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन्स का संचरण यानी ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन्स जैसे कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जीई पायलट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक यानी सूत्र कोणिका माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 18S वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एस स्वेडोवर्गस इकाई अवसादन एवं गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण विश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में केवल में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूबल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रवित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जीकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइबोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जीकाय लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण समवेष्टन विधि द्वारा गोल्जीकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजिच लाइपेसेज प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेजिच मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड
वैशिकल भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक यानी प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, अवरणी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट एवं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ यानी पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवरणी लवक ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटा नीन। वनस्पति को परा बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोशाइनिन। रसधानी यानी वैक्यूल्स यह कोशिका की निर्जीव रचना है। रसधानी में तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एक झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रकीय न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक काव्य में द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन ए नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 पेयर्स एंड बंदर में 21 जोड़ा। यस प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमैनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैनिमाटा एवं अर्धगुणसूत्र इन क्रोमैटिड अर्धगुणसूत्र प्रत्येक क्रोमैटी माटा एक अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र ध्रुव क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं, इसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए का संरचना डीएनए एवं आरएनए की संरचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चैन डीएनए न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड्स को दो पार्ट में शुगर एंड बेस एंड क्षार बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं, एडिनिन एडिनिन ए, गुआनिन गुआनिन जी, थायमिन थायमिन टी, साइटोसिन साइटोसिन सी। डीएनए में अणुसंख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडिनिन व थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच तीन हाइड्रोजन आबंध होते हैं। A=T,
1953 में जेडी वॉटसन एंड क्रिक ने एज इंडियाने की द्विकुंडलित संरचना मॉडल ट्रिपल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। डीएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए असंकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए भी ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, यह केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो एसिड को चुनने में मदद करता है। डीएनए व आरएनए में मुख्य अंतर, मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए व्हाट इज दिस, डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में बेस एडिनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं जबकि आरएनए में बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है जबकि आरएनए यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर, मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड लिविड, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, पादप कोशिका तारकका यानी सेंट्रोशोम अनुपस्थित रहता है, रिक्तिका यानी वैस्क्यूल बड़ी होती है पादप कोशिका में और पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है। वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होती है, तारकाकार यानी सेंट्रोशोम उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका रिक्तिका वैस्क्यूल छोटी होती है, जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ओके, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, अशुत्री विभाजन यानी एमीटोसिस, शमसूत्री विभाजन यानी मीटोसिस व अर्धसूत्री विभाजन यानी एमियोसिस। अशुत्री विभाजन एमीटोसिस, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलर, शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्र विभाजन मिटोसिस, समसूत्र विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में होता है एंड अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्र विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न प्रकार है, अंतरावस्था, इंटरफेज, पूर्वावस्था, प्रोफेज, मध्यावस्था, मेटाफेज और पश्चावस्था यानी एनाफेज और अंत्यावस्था यानी टेलोफेज। इस प्रकार इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से 2 संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल के बराबर होती है। शमसूत्र विभाजन की पश्चावस्था यानी एनाफेज सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है अर्धसूत्र विभाजन यानी मियोसिस। फॉर्मर तथा मूरे, फॉर्मर एंड मूरे 1905 ईस्वी ने कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्र विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिजमैन ने की थी लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है, एक अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन ऑफ डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एवं टेलोफेज 1। ओके, प्रोफेज 1 सबसे लंबी अवस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस।
लैप्रोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमैटिनोइड कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होती है। जाइगोटिन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनते हैं इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकेजिन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य के रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बट जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब चार क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें दो मातृ तथा दो पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिक क्रोमैटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दो गुण सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईएजमाटा कहते हैं। काईएजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता यानी काईएमएस्टा फ्रिक्वेंसी कहते हैं। काईएजमाटा का अंतिकरण यानी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। डायकिनेसिस केंद्र कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल के से चार संतति कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर डिफरेंस बिटवीन समसूत्री एंड अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक यानी सोमैटिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन इस विभाजन में कम समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन जन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। जैव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना कार्य एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि में विशेष प्रकार विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क टॉरविन वैलेस डी व्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण से प्रमाण तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण अवशोषी अंगों से प्रमाण संयोजकता जंतुओं से प्रमाण पूर्वजता से प्रमाण तुलनात्मक भ्रूणकीय से प्रमाण भौगोलिक वितरण से प्रमाण तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनिकी से प्रमाण आनुवंशिकी से प्रमाण पशुपालन से प्रमाण और रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सील के फ्लीपर चमगादड़ के पंख घोड़े की अगली टांग बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना एवं एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस रेडियो अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणकीय विकास भी एक सा ही होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए
चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, सामान्य से कहा हाथ पशु वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। शमरूप अंग यानी एनालोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तनों में भिन्न होते हैं, शमरूप अंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख खोलने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इसकी अग्रपादों पर पैरों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की चार लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों के पूर्व पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्णपल्लव, पिन्ना, त्वचा के बाल, वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स आदि। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव रसायन और बैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीनकालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। ओल्डियर, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन के अंतर में यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनकों से उत्पत्ति से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी अर्धसूत्री विभाजन, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। लैमार्कवाद, लैमार्किज्म, लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार के से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। ओके, डार्विनवाद, डार्विनिज्म, जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 में जन्म और 1882 में मृत्यु ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों के से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। ये दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएँ इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर दो पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है भिन्न हो जाते हैं कि
एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीवनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्न भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। उत्परिवर्तनवादियां सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो ड्यूब्रिच द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत में के पांच प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तन लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये किसी एक अंग के विशेष में अथवा उन्हें अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। आनुवंशिकी, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल 1822 to 1884 ईस्वी ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द विलियम वॉटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विलहेलम जोहानसन ने दिया। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़े विपरीत गुणों के वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय व द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस मेटा हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बौने टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। लंबा पौधा ये कैपिटल स्मॉल शो कर रहा है और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी पितृ पौधे एंड होल्ड इट लीव इट। द्विशंकरीय क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने द्विशंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई व हरे व झोरेदार बीज स्मॉल आर आर व स्मॉल वाई वाई से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। ओके लीव इट फ्रॉम हियर। मेंडल के नियम, प्रभाविकता का नियम, ला ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण पीछे छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य हो रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। पृथक्करण का नियम, ला ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ला ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों यानी जीन का बना होता है।
युग्म विकल्पी एलएल्स एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। यस संलग्नता लिंकेज एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें संलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग संलग्न जीन सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग गुण संलग्न जीन कहे जाते हैं क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन 1910 ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता गंजापन हीमोफीलिया मायोपिया हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। ओके जीव या जाति और इधर गुणसूत्र एस्केरिस में 2 गुणसूत्र, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18.36, बिल्ली में 38, चूहा यानी माउस में 40, चूहा रैट 42, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48 एंड चिंपैंजी में 48, तंबाकू में भी 48 गुणसूत्र। ओके घोड़ा में 64 गुणसूत्र, कुत्ता में 78 और कबूतर में 80 गुणसूत्र, जबकि टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव आनुवंशिक ह्यूमन जेनेटिक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नामकरण डब्ल्यू वोल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। ओके गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा गुणसूत्र शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के गुणसूत्र के शुक्राणु बनते हैं। पौधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र आता है 22+Y। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र था 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज यानी जायगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। ओके इसके विपरीत किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन फर्टिलाइजेशन परख नली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। पादपों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये हैं क्लासिफिकेशन।
पादप जगत को देख रहे हैं, पुष्पोद्भिद वर्ग यानी फाइने रोगेमे जिसमें नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, दो पार्ट में एक बीज पत्री यानी मोनोकोट और द्विबीज पत्री यानी डाइकोट, अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेमी जिसमें यह है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा इधर बटा है सहवाल यानी एल्गी, कवक यानी फंगी और जीवाणु यानी बैक्टीरिया, अपुष्पोद्भिद पौधा यानी क्रिप्टोगेमस। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है, इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुखा यानी थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़ तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते, इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। शैवाल यानी एल्गी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः परिहरित युक्त यानी संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी ऑटोट्रोपिक होते हैं। इनका शरीर शुकाय यानी सदृश होता है। लाभदायक शैवाल भोजन के रूप में फोर फायरा, अल्बा, शर्गाशन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि, आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकश, एक्लोनिया आदि, खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाविना, खेल्क एक्सेट्रा, औषधियां बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटे बुलेरिया, बेलोनिया आदि, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। कवक यानी फंगी, इसके अध्ययन को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक परिहरित रहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। मशरूम कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है। सरसों का सफेद रस्ट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, गेहूँ का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, आलू का अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल अक्षय अपक्षय, रेड रोट ऑफ सुगर केन, ओके, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, आलू का मस्सा रोग, वॉर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, धान की भूरी अर्धवृत्ति चिट्टी, ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुरों का डैम्पिंग रोग, डैम्पिंग ऑफ सीरिंग्स, एफला नामक विष कवक से बनते हैं। होल्ड ऑन, रोग यानी डिजीज और कवक यानी फंगी। दमा के लिए जो फंगी है वो एस्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स, एथलीट फूट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फंगी है टीनिया पेरिस, खाज के लिए एकेरिस स्केबिज, गंजापन के लिए जो फंगी जिम्मेदार है वो टीनिया कैपिडस, दाद के लिए जो कवक जिम्मेदार है वो ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोसे, गन्ने का लाल अपक्षय रोग के लिए जिम्मेदार कवक है कोलेटो ट्राइकम फाइलाकेटम। एफला नामक विष कवक से बनते हैं। लाइकिन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी से भी ओटी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह से सहजीवी संबंध को लाइकोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है।
आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को तीन वर्गों में विभाजित किया है। ये हैं क्रस्टोश, फेलिओज, फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन की तीन प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं होते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। पर मेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक यानी असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियां लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेंडियर मॉस व क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन करी बनाने में किया जाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनिवान ल्यूवेन हॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843-1919 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तवेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812-1892 ईस्वी लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, क्षणाकार या वैशिलस, यह क्षणानुमा या वेलनाकार होता है। गोलाकार या कोकश, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोमा आकार, कोमा सेप्ड या विब्रियो विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के उदाहरण विब्रिया कॉलरी आदि। सर्पिलाकार यानी स्पिरिलम, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण या पाश्चराइजेशन करते हैं, जिसमें इसमें दो विधियां होती हैं। यह है LTHM यानी लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, LEH। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। वहीं HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, HTST दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। जीवाणु यानी वायरस के बारे में, सॉरी विषाणु यानी वायरस के बारे में। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान ओविस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रूप पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती, इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण हैं, ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। OMG सजीव जैसे लक्षण, इनके न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु तीन प्रकार के होते हैं। पादप पोष विषाणु, इनका न्यूक्लिक एसिड में RNA होता है। जंतु विषाणु, इनमें DNA तथा या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। वहीं बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज।
जिस विषाणु में आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। राइजोबियम तथा ब्रैडीरा इजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरेलम क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थिर वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना या टैनिंग कहते हैं। अचार मुरब्बा शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य खुंचन यानी प्लाज्मोलाइज हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीत संग्रह का यानी कोल्ड स्टोरेज में न्यून तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामग्री का संचय करते हैं। ओके, ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़ तना शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जीवाणु नामक जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं परंतु जाइलम में वैशेल एवं फ्लोएम में सहकोशाएं यानी कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा फैनेरोगेमस इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी यानी जिम्नोस्पर्म। इनके पौधे वृक्ष झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद यानी जेरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सैम्बर ओवेरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म यानी साइकस जिंगो बाइलोवा एवं मोटा मेटा सिकोया है। जिंगो बाइलोवा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड यानी ओवल्स एवं नरयुग्मक एंथेरोगोइडस पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल यानी सल्फर सोवर्स बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबुदाना यानी सैगो बनाया जाता है। इसीलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी चीड़ यानी पाइन सिकोया देवदार स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल यानी सेड्रस ऑयल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडस्कास्ट से मिलता है तेल मिलता है। टैनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। टैनिन रेजिन कुछ शंख पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश पॉलिश पेंट आदि बनाने में होता है।
आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। इस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इसके इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दी गई है। तो कुल का नाम और प्रमुख पौधों का नाम, जैसे लिलिएसिस कुल में आते हैं लहसुन और प्याज, जबकि पाल्मी कुल में सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। ग्रेमिनेसी कुल में गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि आते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधे इस वर्ग के में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम, जैसे क्रूसीफेरा कुल में है मूली, सलजम, सरसों। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनोसी कुल में बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। कंपोजिट कुल में है सूरजमुखी, फ्रिंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया एक्सेट्रा। रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकुर बिटेसी कुल के पौधे हैं तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, मिर्च, बैंगन, मकोए, धतूरा, बैनला, डोना, टमाटर आदि। वहीं रोजेसी कुल के पौधे हैं स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी, आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। रूट यानी जड़, मूसला जड़ों का रूपांतर, शंकु आकार यानी कॉनिकल गाजर, कुंभी रूपा यानी नैपी फॉर्म के में सलजम और चुकंदर, मूसला जड़ों का रूपांतरण हो रहा है। वहीं तरकी रूपी यानी फ्यूजी फॉर्म मूली का है। जड़ यानी रूट, जड़ पौधों का अवरोही भाग जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ यानी टैप रूट और अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंसियस रूट। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। तना यानी स्टेम, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है, यह पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। पत्ती यानी लीफ, यह हरे रंग की होती है, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। तनों का रूपांतरण, भूमिगत तने और उदाहरण, कंद यानी ट्यूबर का उदाहरण है आलू, भूमिगत तने का प्रकार है, जबकि धनकंद यानी कॉर्न भूमिगत तने का उदाहरण है बंडा और केसर का, सल्ककंद बल्ब जो भूमिगत तने का उदाहरण है प्याज अनियन का, प्रकंद यानी राइजोबियम भूमिगत तने का उदाहरण है हल्दी और अदरक का। पत्ती लीफ के बारे में, हरे रंग की होती है, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प यानी फ्लावर, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य पुष्प दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज यानी कोरोला, पुमंग यानी एंड्रोएसियम और जायांग यानी जीनोएसियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग व जायांग मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टैमेंस होते हैं। पुंकेसर में परागकण पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जायांग इसमें अंडप होते हैं, अंडप के तीन भाग होते हैं, अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइला, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। परागण यानी पॉलिनेशन, परागकोश यानी एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होते हैं, स्व परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक
अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज जायगोट कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों को द्वि संलयन यानी डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी, कुछ पौधों में बिना निषेचन ही वही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल यानी बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर तथा अनानास आदि। फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को तीन भागों में विभाजित किया जा गया है। सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, पुंज फल यानी एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ओके, संग्रंथित फल यानी कंपोजिट फ्रूट, कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पाशन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेबेन, कटहल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग, फल खाने योग्य भाग और फल खाने योग्य भाग। जैसे सेब में हम पुष्पाशन खाते हैं, नाशपाती में पुष्पाशन खाते हैं, आम में मध्य फल भित्ति खाई जाती है, जबकि अमरूद में फल भित्ति और बीजांडाशन दोनों खाया जाता है, अंगूर में फल भित्ति और बीजांडाशन खाया जाता है, पपीता का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, नारियल में भ्रूणपोष खाया जाता है, टमाटर में फल भित्ति और बीजांडाशन खाया जाता है, जबकि केला में मध्य एवं अंतः भित्ति खाई जाती है। वहीं गेहूँ में भ्रूणपोष व भ्रूण खाया जाता है, काजू में पुष्प वृंत व बीजपत्र खाया जाता है, लीची में एरिल खाया जाता है, चना में बीजपत्र एवं भ्रूण खाया जाता है, मूंगफली में बीजपत्र एवं भ्रूण खाया जाता है, शहतूत में रसीले परिदल पुंज खाया जाता है, कटहल में परिदल पुंज व बीज खाया जाता है, अनन्नास में परिदल पुंज खाया जाता है और नारंगी में जूसी हेयर खाया जाता है। पादप उतक यानी प्लांट टिश्यू, विभाज्योतिकी उतक यानी मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, जिसमें शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम्स, पार्श्व विभाज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम्स, अंतर्वेशी विभाज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, स्थायी उतक परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल उतक जिसमें जाइलम और फ्लोएम, वहीं सरल उतक सिंपल टिश्यू में दृढ़ उतक यानी स्केलेरेन्काइमा, स्थूलकोण उतक कोलेन्काइमा और मृदु उतक यानी पैरेन्काइमा। उतक यानी टिश्यू, समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उतक यानी टिश्यू कहते हैं। विभाज्योतिकीय उतक यानी मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, पौधे के वर्धी क्षेत्रों यानी ग्रोइंग रीजन्स को विभाज्योतक यानी मेरिस्टेम कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभाज्योतिकीय उतक के विशिष्ट लक्षण होते हैं, ये लक्षण निम्न है। ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है, इनकी व्यक्तियाँ पतली व एक सार यानी होमोजीनियस होती हैं, जीवद्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती हैं, कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम्स, ये उतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि यानी विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम्स, इनमें विभाजन होने के से जड़ तथा तने के घेरे गर्त में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभाज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी उतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्षाग्र को कोशाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास।
स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू। यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम। जाइलम इसे प्रायः कास्ट यानी वुड भी कह देते हैं। यह सामान्य ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं, जल एवं खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी 6CO2 + 12H2O प्रकाश बाय क्लोरोफिल इक्वल C6H12O16 ग्लूकोज प्लस 6H2O जल प्लस 6O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से पराशरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विषण यानी डिफ्यूजन द्वारा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके चार घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। ओके, इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एवं एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया यानी डार्क केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल्स के क्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया, हील रिएक्शन भी कहते हैं। इस क्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनता है। ओके, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1810 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं, इनके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। ऑक्सिन्स के बाद अगला पादप हार्मोन है जिबरेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोशावा ने 1926 ईस्वी में की। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनाने में मदद करता है। यह बीजों की सुसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। यह काष्ठीय पौधों में एगा यानी कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके
छिड़काव द्वारा वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड और एबीए। इस हार्मोन की खोज पहले 1961-65 ईस्वी में कार्न्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। यह वृद्धिरोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एथिलीन यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों एवं फूलों के विलगन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट पादप हार्मोन है फ्लोरीजेंस। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के निखिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट ट्राउमैटिन। यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। पादप रोग प्लांट डिजीज, पौधों में होने वाले रोग, विषाणु जनित रोग। आई विल स्टार्ट इट हियर। आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 29 ऑफ ल्यूसेंट जी के सामान्य ज्ञान राइट नाउ। And if you want to watch complete lectures of Lucent G.K. Samanigan, then you should go on study channels playlist. You will get all lectures of Lucent G.K. Samanigan right now. Then thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my study channels and videos. Thank you so much in advance for this. Thanks a lot.